और मुख्य विकास अधिकारी नरेश कुमार ने मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना से जुड़े गांवों का स्थलीय निरीक्षण किया। मुख्य विकास अधिकारी ने ग्रामीणों से रोजमेरी, इंडेलियम, ऑर्गेनिक की औषधि पौधों की खेती के संबंध में जानकारी दी है, जिस पर ग्रामीणों ने बताया कि मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के तहत 250 नाली बंजर भूमि में उक्त पौधों का रोपण किया गया है, जिसमें स्थानीय 17 महिलाओं का समूह भी तैयार किया गया है, जिनके माध्यम से प्लान तैयार किया गया है। मुख्य कृषि अधिकारी लोकेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि गोष्ठी के माध्यम से नवासु, निशड़ी और बंगोली के किसानों को फसल की जानकारी के बारे में अवगत करवाया। रुद्रप्रयाग के बचनसू पट्टी में पलायन रोकथाम योजना के अंतर्गत, मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के अंतर्गत हमारे जो पलायन प्रभावित गांव हैं, विशेष करके निशड़ी और बंगोली, और उनसे मिले हुए दो और ग्राम पंचायतें लेकर के एक क्लस्टर लिया गया है, जिसमें कि एरोमेटिक प्लांटेशन का कार्यक्रम कृषि विभाग के माध्यम से किया जा रहा है। और पिछले बरसात से यहाँ पर 5 हेक्टेयर हम बंगोली में और इसी तरह से नवाशु में भी और खांकरा में भी, ये पूरे एरिया में करीब 15 हेक्टेयर का कार्य एरोमेटिक प्लांटेशन का किया जा रहा है, जिसमें कि बंजर भूमि जो पलायन से लोग चले गए थे बाहर, उनके खेतों को जो